हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये न्यू होलैंड का 3600-2 मॉडल है। इसका जो है रियर एक्सल से सील जो था लीकेजिंग की प्रॉब्लम था, इसको मैंने खोल के बाहर निकाल लिया था और चक्का बहुत पले था, हटर हटर कर रहा था। और इसको खोल के बाहर निकालने के बाद इसका चकनट को हम जो है खोलने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता रहेगा। और चेक नट का जो लॉक होता है, लॉक को पहले हम खोल लेते हैं। लॉक को उनार के प्लेन करने के बाद चेक नट आसानी से खुल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये छेनिया थोड़े की मदद से चेक लॉक को जो है ना, चेक नट का लॉक को बाहर कर देते हैं, लॉकिंग को हटा देते हैं। इसके बाद चेकनोट को खोल लेंगे। ये न्यू होलैंड का है रियर एक्सल, चक्का बहुत पले था इसका। और ऊपर वाला जो ये चेकनोट के ऊपर में बैरिंग पॉइंट है, ये भी पॉइंट ख़त्म हो चुका है, कट गया पॉइंट। और इसका ये पॉइंट बनाएंगे। ऊपर में जो बैरिंग लगता है 6309 का बैरिंग लगता है, न्यू होलैंड 3600-2 मॉडल। ये मैंने चकनट को खोल के बाहर निकाल लिया, अब इसका लॉक को हटा लेंगे। इसका लॉक जो पत्ती है, ये पिनियन को बाहर निकाल लेते हैं। और ये पिनियन आसानी से निकल जाता है। प्लेट को ऊपर उठा के एक्सल पे हैमरिंग करेंगे, ये एक्सल निकल जाएगा बाहर। और पिनियन के अंदर में एक बुश रहता है, और बुश को भी बाहर निकाल लेते हैं। एक्सल को बाहर निकाल दिया है, और एक्सल का सील पॉइंट वेंट एकदम टकाटक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका दोनों बायरिंग चेंज होगा, सील चेंज होगा और टॉप वाला बायरिंग पॉइंट बनेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और इसका जो है ये लॉक है बायरिंग के ऊपर में, ये बायरिंग का लॉक को निकाल लेते हैं। उधर से बायरिंग को निकाल लेंगे। ये हाउजिंग में जो बायरिंग लगता है 6309 का, उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया है। इसका सील वायरिंग भी मैंने निकाल लिया, लॉक भी। ये हाउजिंग में 6309 का वायरिंग रहता है, इसको भी मैंने निकाल लिया। ये सब चेंज होगा, ये इसमें प्रॉब्लम।